रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। यस डन, चलो हो गया। रमेश, ओके ओके। सो वी हैव द स्टॉक्स थ्योरम, इंटीग्रेशन ओवर सी, एफ बार इनटू डी आर बार, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस, डेल क्रॉस एफ बार, एन कैप इनटू डीएस, दैट इज नंबर वन। सो डेल क्रॉस एफ बार इज दिस वन, यही मिला सबको, जेड इनटू जे माइनस वाई इनटू के। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें मगन विचार के सोच ले जाओ ना ना दे पछे यस विकास। એવું કઈ થોડું વિચારવાનું, એ બધું થઈ જાય આપણે। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई हैव टू फोकस ऑन एन कैप, है ना। सो एन कैप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ आई कैन फाइंड एन कैप, ग्रेडियंट, है ना। लेकिन उससे पहले मुझे सरफेस फिक्स करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द गिवन सरफेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके सो लेट, ओ खत्म हो गया ये तो, यही लेट, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, है ना, क्योंकि मुझे 9 को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना इसीलिए। ओके माइनस 9, तो चलो उसका ग्रेडियंट फाइंड करो। दो सो एन बार इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, सो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस वन, है ना, फाई इंटू आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू के कैप। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, डेल फाई बाय डेल एक्स हो जाएगा आपका 2x, सो 2x आई प्लस 2y जे प्लस 2z के। ओके एवरीबॉडी, ओके देन एन कैप, हाउ वी कैन फाइंड एन कैप, एन बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एन बार, यस और नो, है ना। सो एन बार डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एन बार करेंगे, सो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, उसमें से 2 बार यहाँ नीचे से 4 का स्क्वायर रूट होके 2 बार आएगा, है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस और नो। ओके डन, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरे पास क्या था, 9, वो तो दिया है ना, देखो यहाँ पे, यस और नो। सो उसकी जगह पे मैं 9 रिप्लेस करूं तो क्या आएगा मेरे पास, यस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, सो दैट इज माय एन कैप। ओके चलो एन कैप का भी हो गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हैंग हो गया। ये ओके नेक्स्ट, चलो डीएस फाइंड करो, नेक्स्ट डीएस करना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो डीएक्स करने से पहले हमको प्रोजेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में लेंगे, ज्यादातर एक्स वाई ही लेते हैं ना हम, तो लिखो नेक्स्ट में वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन सरफेस इन एक्स वाई प्लेन। ये थोड़ा हैंग हो गया, गया। चलो तो अब क्या करेंगे,
इसको कैसे करते थे, ऑटोमेटिक ही दिखेगा, लेकिन ये तो माउस ही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये भी कहां से। आपके क्लास में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे बाकी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, उतना यहाँ पे हो रहा है। सही में मैं हर जगह पे शांति से लेक्चर लेता हूँ और यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या? वो तो ये वाला है, वो तो मैंने ही निकाला अभी, लेकिन ये माउस नहीं चल रहा है, तो माउस के विदाउट तो मेरी पेन भी नहीं चलेगी। नहीं होगा वहां पे, नहीं होगा, मैकेनिकल रूम में जाना पड़ेगा। चलो डीएस इज इक्वल टू क्या होगा, डीएक्स डीवाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एन कैप इनटू के कैप। चलो वो फाइंड करो, है ना, एन कैप की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करो, तो एन कैप की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, डीएक्स डीवाई डिवाइड बाय जेड बाय 3, है ना, तो जेड बाय 3 को आप उल्टा करेंगे तो ds इज इक्वल टू 3 dx dy डिवाइड बाय z। ओके, या वहां तक पहुंच गए सब लोग? પેન ભી નથી વર્ક કરતા, અહીં સુધી કરંટ આવે છે પણ ત્યાંથી અહીં સેન્સર નથી પેન દીધી નથી મારું તો વર્ક થવું જોઈએ ને, જો એ ભી નથી જો અહીંથી અટતું જ નથી।
into n cap into ds. Okay. So you can see integration over C f bar into dr bar is equal to double integration over S del cross f bar into n cap into ds. This is our Stokes theorem. Okay. Then double integration over S. What is the value of del cross f bar? Minus, yes, z minus yk into n cap. N cap, we have n cap xi plus yj plus zk divided by 3. That is my n cap. And what is my ds? Ds is 3 dx dy divided by z. Okay, that is my. So I substitute all these values in here. So next, double integration over S. If you do the dot product of these two vectors, then what we get? Minus z into y. So minus yz j into j1. Okay, first wala to 0 hai. Kyunki I yahan pe 0 hai, to 0 hai. Second mein minus z into y. So minus yz minus y into z. Minus yz, okay, divided by 3 into 3 dx dy divided by z. Yes or no? Ye dono ka simple dot product karna. Okay, now 3 cancel out and z is common, so z also common, cancel out. So what we have? Double integration over S plus 2yz divided by z dx dy is equal to double integration over S, again z cancel, minus 2y dx dy. Okay, now problem, any problem to you? Okay, ab next mein kya karna hai? Minus 2y dx dy. So humne kya kiya hai? Projection kiya hai, hai na? X square plus y square plus kya tha hamara equation? X square plus y square plus z square is equal to 9. Ab iska projection humne kiya hai xy pe. To z kya ho jata hai? 0. To hamare paas kya bacha? Due to projection x square plus y square is equal to 9. अब x square plus y square is equal to 9 को हम किस में ले जाएंगे? Polar coordinates में, है ना? So polar coordinates के थ्रू में यहाँ तक हो गया complete सबका. Polar coordinates तो यहाँ पे लिखो next में क्या लिखना है? Here we are considering projection in x y plane. Therefore, x square plus y square is equal to 9. X square plus y square is equal to 9. Okay, chalo, wo ho gaya. X square plus y square is equal to 9. So that x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and dx dy is equal to what we consider? R V R D theta. Yes or no? So substitute all these values in this one. Okay. So integration over C f bar into dr bar se humne start kiya tha is equal to this one hai, double integration over S minus 2y dx dy is equal to, ab yaad hai double integration to maine likh diya minus 2 as it is, so minus 2 y theta ko mujhe kya rakhna hai? R sin theta. So I substitute R sin theta. Dx dy ki jagah pe r dr d theta. Now first we have to fix the limit of r. So r ki limit means ye circle jo hai uski radius kya hai? 9 mein se 3 hai na, so 0 to 3 ho jayega. So r ki limit hogi 0 to 3. What about theta? Theta ki kya milegi mujhe? 0 to 2 pi. अब हेमिस्फीयर दिए, हेमिस्फीयर क्या होता है? किसी को याद है? आधा, हाफ, है ना?
मींस हमारे पास कटोला होता है वैसे, है ना, मींस उसको यहां पे रख दो तो 0 टू 2 पाई हो जाएगा पूरा सर्कल, है ना, सो 0 टू 2 पाई नहीं होगा, सर्कल तो फुल है ना, प्रोजेक्शन लिया ना आपने, फॉर एग्जांपल मैं बॉल को काटूंगा ऊपर से भी और नीचे से, तो मेरे पास एक स्ट्रिप आएगा लेकिन वो सर्कल तो फुल है ना आफ्टर प्रोजेक्शन, इसीलिए 0 टू 2 पाई आएगा, नहीं तो आपके पास 0 टू पाई है, लेकिन यहाँ पे हम हेमिस्फीयर का मैक्सिमम ले रहे हैं ना, ओके, इसीलिए 0 टू 2 पाई, अंडरस्टैंड, ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, नाउ हियर डिफरेंसेस सॉरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा और यहाँ पे r स्क्वायर आया, तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, r क्यूब बाय 3 0 टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा d, ओके, डन, अब पहले 3 रिप्लेस करो तो मुझे क्या मिलेगा, 0 टू 2 पाई एज इट इज, यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा एज इट इज, अगर मैं 3 रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा 27, 27 डिवाइड बाय 3 मींस 9, सो 9 माइनस 0 क्योंकि r की जगह पे 0 रिप्लेस करना था एंड d थीटा, नाउ यहाँ पे आई हैव 0 टू 2 पाई माइनस 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस 18, 9 इंटू 2, ओके, यहाँ पे मेरे पास बचा साइन थीटा इंटू डी, नाउ इंटीग्रेट दिस, तो क्या आएगा माइनस 18 साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे लिमिट है मेरे पास 0 टू 2 पाई, सो यहाँ पे माइनस 18 यहाँ पे माइनस कॉस 2 पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, आंसर क्या है, क्या है आंसर, कॉस 2 पाई मींस 1, सो माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया 0, तो यहाँ पे कोई वर्क डन ही नहीं हुआ है हेमिस्फीयर, ओके, दिस इंडिकेट्स द वर्क डन, है ना, इसको तो वर्क डन बोलते थे ना, तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया है उसमें कोई वर्क डन ही नहीं, वर्क डन ही 0, ओके, डन, चलो ये कर दो, लिख दो अच्छी तरीके से और दूसरा वो तो मैं भेज दूंगा, इसका सॉल्यूशन तो मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, सबका हो गया कंप्लीट, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर, वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर f बार इज इक्वल टू हेलो
यस डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पीसी, सो आई हैव टू शट डाउन द पीसी एंड देन वी स्टार्ट अवर वन एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, दिख रहा है? नो सर. नो, नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सर. सो यहाँ पे अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके वन मिनट, मुझे इसको केबल को भरना है. वन मिनट. Now is it visible? You can see. दिख रहा है ना सबको? अब बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? स्टूडेंट गीता, निश्चल, कार्तिक, रमेश, ओके. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ओवर बीसी. एम बार इंटू डी आर बार is equal to what we have BC में क्या है मेरे पास? Y is equal to 2, तो dy is equal to 0 and dz is equal to 0. So अब अगर हम ये दोनों इसमें substitute करें तो ये both are the 0. Now we have to think about first one. Y की जगह पे 2, so 2 plus 2 4, so 4 minus 0, so 4 हो गया 4 into dx. So here we have 4 into dx. And what is the limit for BC? 2 to 0. So 2 to 0. So we have 4 into x, 2 to 0. So 4 into 0 minus 2. So we have minus 8. Okay? Right? Now think about CO. CO ke liye kya hoga? Integration over CO. F bar into dr bar is equal to dx is equal to 0 and dz is equal to 0. So, isme substitute karo, dx bhi 0, dz bhi 0. Yahan pe z is equal to 0, to again 4 into dy. So, integration 4 into dy. And what is the limit for CO of y? 2 to 0. So, 2 to 0. And we have minus 8. Answer kya aayega? Minus 8. Hai na? So maine seedha likh diya because I have no more space. Then next OA. OA f bar into dr bar is equal to integration OA pe dy 0 and dz is 0. So dono hi dono agar aap substitute kare to dy 0 dz 0. Now think about here. Ye dono 0. 2 into dx only we have into dx. Now what is the limit of x? X ki limit 0 to 2. So here we have 0 to 2 into 2 dx. So our answer is 4. Answer 4 aayega na? Okay. Now what is your work done? So work done total kya hua? LHS. LHS kya hoga? LHS is equal to आपका LHS होगा, LHS is equal to यहाँ पे जो आंसर मिला था AB का क्या है? 8. So 8 minus 8 plus minus 8 yes and plus 4. So total answer minus 4. That is your LHS. Okay, left hand side work done. Yes or no? Okay. अब किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है हमको? इसके ऊपर.
नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके। सिर्फ यहां पे RHS इक्वल टू दिस को लिख के रखना। RHS इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर S डेल क्रॉस F का एंड कैप इनटू ds। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, लेकिन I will circulate the solution of this one, you know, due to the our network connectivity and PC connectivity issue. So, good day, take care. Sorry, है ना, आज के लेक्चर में थोड़ा ये PC हैंग हो गया था आपका, इसकी वजह से